Hey everyone, assalamu alaikum. How are you all doing, guys? So welcome back to my Flossom World. And आज हमारे किचन में बन रहा है बटर पनीर. तो मैंने सोचा कि जो रेसिपी मैं फॉलो करती हूँ बटर पनीर बनाने के लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और आप लोग भी ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, क्योंकि मुझे तो ये बेस्ट लगती है और मैंने इसे लगा दिया है ठप्पा कि मैं ऐसे ही बनाया करूँगी. सो बटर पनीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिए हैं, सबसे पहले पनीर लिया है मैंने, 250 ग्राम्स पनीर लिया है, हैंडफुल ऑफ कैश्यू और गरम मसाले, सारे खड़े गरम मसाले डालेंगे लाइक ये बड़ी इलायची और स्टार एनाइस, दालचीनी, लौंग, इलायची और ये है मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ये एक रखा हुआ है. इसके बाद मैं एक और भी डालूंगी इसी से मेजर करके, एक और पूरा भर के नहीं, मतलब 1.5 से ज़्यादा, 2 से कम. ये है बटर. उसके बाद मैंने लिए हैं ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर और एक बड़ा प्याज, बड़ी प्याज वॉट एवर इट इज़. ओके, तो चलिए चलते हैं आगे स्टेप्स पे. तो सबसे पहले हमें टमाटरों को रफली चॉप कर लेना है क्विकली. तो ये हो गए हमारे टमाटर रफली चॉप. इसी तरह से हमें प्याज को भी काट लेना है, रफली चॉप करना है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बारीक काटें. तो जल्दी से झटपट प्याज भी कट जाती है. तो ये प्याज कट गई. अब इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें, ओ हाँ मैं ये भूल गई थी, पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च होती है ना, जो साबुत काली मिर्च होती है वो भी यूज़ करनी है. इसमें हम कोई भी पिसा हुआ गरम मसाला या जीरा पाउडर या कोई अंडर पाउडर नहीं डालेंगे, अदरवाइज जो उसका कलर है बटर पनीर का, कि ग्रेवी का जो ऑरेंज टाइप का कलर होता है ना, वो ख़राब हो जाएगा. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, एक साथ ही सब डाल देना है, कोई झंझट नहीं, कोई झाम नहीं. पानी में आप डाल दिए टमाटर, अपना प्याज डाल दीजिए, अपने सारे गरम मसाले जो खड़े आपने लिए हैं साबुत गरम मसाले वो डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए और उसके बाद डाल दीजिए सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट. तो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट यूज़ किया है. अब उसके अंदर जाएगा, मैंने ये वाला 2 चम्मच बटर डाला है क्योंकि बटर पनीर है तो बटर तो भर भर के डालना होगा. और अगर आप कम बटर डालना चाहते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू योर चॉइस. तो अब जब तक कि वो बॉईल हो रहा है पनीर काट लेते हैं. पनीर के मैंने क्यूब्स काट लिए हैं और मैंने स्क्वायर शेप के क्यूब्स काटे हैं. आपको जो भी शेप चाहिए हो आप वो शेप के क्यूब्स काट सकते हैं. उसके बाद क्या करेंगे, ओ मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी उसमें, तो हरी मिर्च भी ऐड कर देते हैं, वो जो हमारा पक रहा है ना सारा मसाला पानी में, तो उसको अच्छे से पकने देंगे. तब तक पकने देंगे जब तक कि जो हमारे टमेटोज़ उसमें हैं वो बिल्कुल मशी ना हो जाएं. जब पक जाएगा टमाटर पूरे गल जाएंगे और जो गरम मसाले हैं उसका पूरा फ्लेवर आ जाएगा हमारे मसालों में, तब हम उसको हटा के थोड़ा सा गैस बंद करके ठंडा होने देंगे. और उसके बाद जितने भी खड़े मसाले पड़े हुए हैं उसमें साबुत मसाले, वो हम हटा देंगे, उसे हमें ग्राइंड नहीं करना है. उसको हटाने के बाद हम मिक्सचर को इसका एक पेस्ट बना लेंगे. तो ये देखिए ये ठंडा हो गया है और इसके मैंने मसाले जितने भी साबुत मसाले थे गरम मसाले वो सारे हटा दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फ्लेवर तो उसमें जा ही चुका है. और इसको मैंने पीस लिया है. अब कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको छान लेते हैं ग्रेवी को, बट मैं छानती नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ही फाइन पेस्ट कर लेती हूँ. तो अब मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है बटर, ये वाले 3 चम्मच जो स्पून दिख रहा है ना, ये 3 चम्मच बटर मैंने लिया है. और उसके अंदर मैंने डाल दी है ग्रीन वाली जो इलायची आती है, छोटी इलायची और लौंग. उसके बाद इसमें मैंने डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर. कश्मीरी रेड चिली पाउडर इज़ लाइक इट इज़ मोर इन कलर एंड लेस व्हेन इट कम्स टू हीट. तीखी कम होती है लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा आता है. तो कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद हम इसमें अपना पेस्ट डाल देंगे, जो काजू टमाटर एंड और ये सारा पेस्ट है
वो डाल देंगे। ये देखिए अभी इसको पकने देना है और थोड़ा सा दूध लेके पकाएगा, क्योंकि देख रहे हैं इसमें जो बबल्स बबल्स आ रहे हैं ना, ये छिटक छिटक के स्किन पे आते हैं तो बहुत जलता है। तो ये देखिए कलर भी इसका कितना अच्छा आया है और ये कितनी स्मूथ बनी है। तो अभी इसको हम अच्छे से पकने देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने ली है, हाफ कप ऑफ फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और इससे इतनी रिच ग्रेवी बनेगी, इट विल बी लाइक वेरी रिच एंड वेरी टेस्टी। अब इसमें क्रीम, अब जब तक कि वो क्रीम के साथ पक रही है हमारी ग्रेवी, थोड़ा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं, तब तक कि हम तवे पे कसूरी मेथी आती है, इट इज़ ड्राइड मेथी लीव्स, और उसको हम तवे पे हल्का सा भून लेंगे और वो भी जाएगा इस ग्रेवी के अंदर। तो डालने का तरीका ये है कि आप उसको अपनी हथेली पे रख के क्रश करके जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है एंड बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम पनीर के क्यूब्स जो हमने कट करे थे स्क्वायर शेप के, वो इसमें डाल देंगे एंड टेंडरन, आपका बटर पनीर रेडी है। इट इज़ रेडी, इट इज़ सो इजी एंड इट कम्स आउट टू बी सो टेस्टी दैट यू डोंट इवन बिलीव दैट ये आपने घर में बनाया है या कहीं से ऑर्डर किया है। ये देखिए वाह 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 वाह, तो ये हमारा पनीर रेडी है, बटर पनीर। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको डिश आउट करने के बाद थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए ऊपर से थोड़ा सा और बटर डाल देंगे, क्रीम डाल देंगे एंड देन इट इज़ रेडी। तो अब आप लोग भी ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी आप लोगों की ये डिश, क्योंकि मेरी तो बहुत अच्छी बनी थी एंड आई एम श्योर कि आप लोगों की भी बहुत अच्छी ही बनेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ़ यू लाइक माय वीडियो please give it a thumbs up, and if you are new to my channel then please subscribe, and if you are already a subscriber then please share it with others so that they can also enjoy the yummy-licious butter paneer recipe. So thanks for watching, take care and khuda hafiz.